हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि हरियाणा एसएससी का जो 21, 22 और 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की, उसके साथ साथ आपको कैसे ऑब्जेक्शंस करने हैं अपने आंसर की में, अगर आपको लगता है आपके कौन कौन से चीज़ों, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि एचएसएससी में वो नोटिस कौन सा है, क्या नोटिस आया, उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसमें आपको जब ऑब्जेक्शन फिलअप करने हैं तो कैसे करने हैं, कहाँ पे अपनी आंसर की चेक करनी है, और जब ऑब्जेक्शन आप रेज करते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको ऑब्जेक्शन करो, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन जो आंसर की में गलत है और वैसे वो सही है तो वो ठीक किया जाए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ बता सकूं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको एचएसएससी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूंगा कि आपको जो एचएसएससी का वेबसाइट पे है वो लिंक पीडीएफ क्या है, और उसके अंदर क्या क्या उन्होंने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों, आपको करना है कि एचएसएससी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे आपके सामने खुला हुआ HSSC.gov.in जो हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर इन्होंने एक लिंक दे रखा है, जिसके अंदर दिखा रखा है इनविटेशन ऑब्जेक्शन फॉर आंसर की 05/2019। जी हाँ दोस्तों, जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो इन्विटेशन नंबर था वो 05/2019 था, और इसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि किस तरह से आपको आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नोटिस है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको पब्लिक नोटिस के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन एंड टू एप्लीकेंट एंड कैंडिडेट। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको उस पेज इस पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, तो जैसे दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ये नोटिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो उनको 05/2019 के लिए जो 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया, जी हाँ दोस्तों, आज के ही दिन नोटिफिकेशन आया। आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, और जैसे डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे ऑब्जेक्शंस करने हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बे नंबर 67/70 HSSC.gov.in। तो ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2019 कैटेगरी नंबर 01 फॉर वेरियस बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, इट इज इंटीमेटेड दैट रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट 05/2019 फॉर कैटेगरी नंबर 01 वॉज कंडक्टेड ऑन 21st of September, 22nd September एंड 23rd September। तो 21 तारीख को तो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, और ये बोल रहे हैं कि 22 को मॉर्निंग और इवनिंग, और 23 को जो मॉर्निंग और इवनिंग में हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने बोला है। तो दोस्तों, ये लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई यहाँ पे इन्होंने। देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है, द कमीशन हैज़ अपलोडेड द आंसर की ऑन द वेबसाइट ऑफ द हरियाणा एसएससी कमीशन। एचएसएससी की जो वेबसाइट है उस पे उन्होंने आंसर की अपलोड कर दी है, एंड फॉर द अबो एंड सेड रिटर्न फॉर द एग्जामिनेशन, एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनी आंसर, ही ओ सी मे सबमिट हिज एंड हर क्वेरी रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन एंड क्वेरीज। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए क्या क्या, जैसे आपको आंसर की पे पहले सबसे आपको मैच कर लेना है, और आपको लगता है कि किसी आंसर में आपका जो गलत है, जो एचएसएससी ने गलत दे रखा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले आपको एचएसएससी की वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे एक लिंक आएगा जिस पे है क्लिक ऑन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑफ द आंसर की 05/2019 बटन। तो आपको उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे उस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डिटेल ओपन होके आएगी, तो उसके साथ साथ उसमें आपको डिटेल फिलअप करनी है। उसके साथ साथ दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो आप ऑब्जेक्शन है वो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में ही भर सकते हो, मतलब आपके पास लगभग 5 दिन का टाइम है, जिसमें आप अच्छे से डिस्कस करके ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। इसी वीडियो के माध्यम से कमेंट्स में अपने ऑब्जेक्शंस आप शेयर कर सकते हो, ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में रिप्लाई करके ये बता दे कि जो आप ऑब्जेक्शन आप रेज कर रहे हो वो सही था या नहीं। और उसके लिए आपको उन्होंने बताया कि जब भी आप ऑब्जेक्शन रेज करो, उसके साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लेरिफाई द स्पेसिफाई द ऑब्जेक्शन अलोंग विद द नेम, पोस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। वो बोल रहे हैं कि जब आप ऑब्जेक्शन रेज करो तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे भरनी है वो ध्यान रखना दोस्तों। एडवर्टीजमेंट नंबर जो इसका 05/2019 है, कैटेगरी जो इसका 01 रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको भरनी है, आपका एग्जाम किस डेट को हुआ था, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, वो भी आपको बताना है। और उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने
क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन नंबर, वो जो ऑब्जेक्शन आपके आंसर की होगी उस पे आपको ये वाली, वो बोल रहे हैं कि ये वाली चीज़ कंसीडर नहीं होगी, उसके लिए लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और क्वेश्चन नंबर ऑन विच द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, अदरवाइज ऑब्जेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे शेयर करना होगा। उसके साथ दोस्तों इन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्शन शैल बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन एंड इट इज डिसीजन रिगार्डिंग शैल बी द फाइनल एंड इवेल्यूशन ऑफ द पेपर शैल अकॉर्डिंगली टू बी डन। तो ये बोल रहे हैं कि जो आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे उसके बाद हरियाणा बोर्ड, जो HSSC बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा कि आपका आंसर सही है या गलत, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आपके आंसर की आ चुकी है, आप अपने आंसर की से मैच करो। उसके साथ आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उस कमेंट को पढ़े तो वो आपकी चीजों पे प्रतिक्रिया करे। उसके साथ साथ आप अपना सिफ्ट नंबर भी मेंशन करें। और ये चीज दोस्तों 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ही रहेगी, इससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा होगा अगर आप लोग डिस्कस करोगे। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग आपके सही ऑब्जेक्शन कर पाओ, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन सही था और जो आंसर की में गलत था उस हिसाब से आपको करेक्ट मार्क कर पाओ। तो दोस्तों इसमें जाके HSSC की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हो और अपनी आंसर की को मैच कर सकते हो। और जब आप मैच करो तो अपना स्कोर पक्का वीडियो के कमेंट में डालना, ताकि हम एक फाइनल कट ऑफ तक आ सके। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।